हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है? ऋषभ। ऋषभ, ऋषभ चार्ट दिखाइए अपना। ये देखिए, भौतिक विज्ञान की जो एक्टिविटी फिजिक्स में चैप्टर प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन हो रहा है, उसमें लेंस और दर्पण द्वारा जो बनने वाले प्रतिबिंबों को इन्होंने बखूबी दिखाया हुआ है। ऋषभ बताइए, दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनने के नियम हैं, बताइए उनके बारे में जरा। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, ठीक है। सेकंड नियम क्या है? मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। और तृतीय नियम, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें बिना विचलित अपने मार्ग से सीधा निकल जाती है। सीधा निकल जाती है, ओके गुड। बताइए जरा कि ये जो अपवर्तनांक है इसके बारे में बताइए, और एक बात ये भी बताइए इसके बाद में कि जो किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक है और किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम। अपवर्तनांक दो माध्यमों के बीच प्रकाश की चालों के अनुपात की तुलना करता है। प्रकाश के चालों की तुलना करता है। बताइए किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है और किस रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम है तथा इसका प्रकीर्णन भी कम है। प्रकीर्णन कम होने के कारण इसकी स्पीड सबसे अधिक होती है। और बैंगनी सबसे कम किसका अपवर्तनांक है? सबसे कम अपवर्तनांक लाल का है, लाल रंग का अपवर्तनांक। सबसे अधिक किसका है? बैंगनी रंग का। सबसे अधिक अपवर्तनांक बैंगनी रंग का, सबसे कम अपवर्तनांक लाल रंग का। जरा बताएं, खतरे के सिग्नल लाल क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है और प्रकीर्णन भी कम होता है। और अपवर्तनांक और प्रकीर्णन के कम होने के कारण इसकी तरंग दैर्ध्य और चार्ज सबसे अधिक होती है। तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हमें दूर से दिखाई पड़ता है, इसलिए खतरे के सिग्नल लाल बनाया जाए। चार्ट सीधे करिए अपना। तो आपने चार्ट में बनाया हुआ उत्तल लेंस, अवतल लेंस, जरा मुझे बताइए जो उत्तल लेंस जो आपका है तो इसका नेचर कैसा है? ये अभिसारी है या अपसारी है? ये अभिसारी लेंस है। अभिसारी कैसे बताएंगे आप इसको? क्योंकि अनंत से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात एक ही बिंदु मुख्य फोकस पर मिलती हैं। अपवर्तन अनंत से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस में बेसिकली एक बिंदु पर अभिसरित यानी इकट्ठा होती है, इसलिए इसको हम लोग अभिसारी लेंस बोलते हैं। तो उत्तल लेंस द्वारा कितने प्रतिम की स्थितियाँ कितनी हैं, वस्तु कहाँ कहाँ प्लेस करेंगे और कितने प्रतिम बनते हैं, कितनी स्थितियाँ बताइए जरा सबको आप क्रम से बताइए एक बार जरा। उत्तल लेंस में 6 प्रतिम बनते हैं। पहली स्थिति अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा 2f2 पर बनेगा। हाँ ठीक है, कैसा बनेगा ये? ये बनेगा वास्तविक उल्टा वस्तु से बिंदुवत। सेकंड में बनेगा अनंत तथा 2f1 के मध्य में, तो इसकी स्थिति आएगी f2 तथा 2f2 के मध्य में। थर्ड है 2f1 पर बनेगा, तो 2f1 पर स्थिति होगी वस्तु की और इसका प्रतिबिंब बनेगा 2f2 पर। ठीक है, फोर्थ क्या है? फोर्थ 2f1 तथा f1 के मध्य की स्थिति में ये प्रतिबिंब बनेगा 2f2 तथा अनंत के मध्य में। आपके अकॉर्डिंग सारे प्रतिबिंब वास्तविक उल्टे बनते हैं। अगर हमें उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा चाहिए तो वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? इसको रखेंगे प्रकाशीय केंद्र तथा f1 के मध्य में। प्रकाशीय केंद्र और f1 के मध्य में रखेंगे। लेंस की क्षमता जो पावर पी होती है और फोकस दूरी में क्या संबंध, इसका सूत्र क्या है? P=1/f। किसमें, मीटर या सेंटीमीटर? मीटर में। और अगर सेंटीमीटर में? 100/f। 100/f, ओके। तो बताइए जरा ये f के अगर हम आपसे डेफिनेशन पूछते हैं फोकस दूरी क्या है, तो इसकी परिभाषा आप क्या बताएंगे लेंस के परस्पेक्टिव में या दर्पण के परस्पेक्टिव में? दर्पण में ध्रुव तथा मुख्य फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी का वक्रता त्रिज्या से क्या संबंध है? F=r/2। यानी कि अगर जो फोकस दूरी है वो वक्रता त्रिज्या की आधी है, यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का ट्वाइस है, डबल है, ओके। जरा बताएंगे आप मुझे ये क्वेश्चन कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसमें सबसे नीचे विविग्योर के अनुसार सबसे नीचे विविग्योर के जरा क्रम बताइए क्या क्या है। VIBGYOR। तो इसमें सबसे ऊपर कौन सा रंग है? रेड। तो रेड का सबसे ऊपर होने का मतलब इसका क्या विक्षेपण सबसे अधिक है या कम है? सबसे कम है, ओके। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता बताएंगे जरा? क्योंकि विविग्योर के अनुसार सबसे नीचे वायलेट कलर होता है जो कि बैंगनी रंग है, इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इसी प्रकार हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आकाश में नीला दिखाई पड़ता है। जरा बताएंगे प्रकाश के गुण क्या हैं? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10^8 होती है। प्रकाश की प्रकृति द्वैतीय होती है। प्रकाश तरंगों और कणों के रूप में चलता है, ओके। तो मुझे जरा ये बताइए कि जो वायु और जल और कांच के अपवर्तनांक क्या हैं? वायु का अपवर्तनांक 1.000, जल का 1.33 और कांच का 1.5, ओके। तो आप जरा ये बताने का प्रयास करेंगे सघन और जो विरल माध्यम है, जब प्रकाश अपवर्तन की हम बात करते हैं और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जैसे आपने चार्ट में दिखाया हुआ है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करते हैं, तो जो सघन माध्यम है इसके बारे में आप क्या कहेंगे और विरल माध्यम है, ये आप कैसे समझते हैं इस बात को? सघन माध्यम में जो कण हैं जो पास पास होते हैं, इसलिए उसमें प्रकाश की चाल कम होती है। प्रकाश की चाल इसमें कम होती है, जिसके लिए काफ़ी घना होता है और पास पास होते हैं। विरल माध्यम के क्या बताएं? विरल माध्यम में कण दूर दूर होते हैं, इसलिए इसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ओके गुड। आपका शुभ नाम क्या है? हर्ष। हर्ष, चार्ट दिखाइए अपना।
यदि कि हर्ष बाबू ने चार्ट बनाया हुआ है, जरा हर्ष जरा बताइए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। काफ जब एक पालिफ धातु से टकरा कर वापस पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौटा, इसको प्रकाश का परावर्तन कह सके। इसके कितने नियम हैं? दो बताइए। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर हो। आपतन कोण आई सदैव परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। अच्छा, जरा बताएंगे आप क्रांतिक कोण क्या है? सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, जिसके लिए विरल माध्यम में बना कोण 90 डिग्री हो जाता है, क्रांति कोण कहलाता है। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, उसके लिए विरल माध्यम बना अपवर्तन कोण 90 अंश का होता है, उसको क्रांति कोण बोलते हैं। क्रांति कोण का अपवर्तनांक से संबंध का सूत्र क्या है? एन इज इक्वल टू साइन 1/sin n = 1/sin। जरा आपने ये बताएं उत्तल दर्पण उत्तल लेंस वाला चित्र बनाए हुए हैं, तो बताएंगे जरा उत्तल लेंस अवतल लेंस में कौन सा अभिसारी और कौन सा अपसारी है? उत्तल लेंस अभिसारी है और अवतल लेंस अपसारी है। ओके, उत्तल लेंस अभिसारी और अवतल लेंस आपका अपसारी है। सिमरन जरा चार्ट दिखाइए अपना ऊपर। ये देखिए, उन्होंने देखिए उत्तल लेंस अवतल लेंस दर्पण द्वारा इमेज फॉर्मेशन को बताया हुआ है। तो जरा आपसे पूछते हैं कि उत्तल दर्पण जो आपका है उसमें इमेज कितने बनते हैं और वस्तुएं कहाँ कहाँ रखी होती है, और इमेज की जो प्रकृति नेचर होता है वो कैसा होता है इसमें उत्तल दर्पण की? इसमें उत्तल दर्पण में दो फिगर बनते हैं। पहले में अनंत पे वस्तु रखी जाती है, तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। कैसा बनेगा, वास्तविक उल्टा या आभासी सीधा? आभासी सीधा। और उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब आभासी और सीधे होते हैं, तो उत्तल दर्पण कैसा होता है, ये अभिसारी प्रकृति का है या अपसारी प्रकृति का है? उत्तल दर्पण अपसारी प्रकृति का। अपसारी प्रकृति का मतलब क्या है? अपसारी प्रकृति का मतलब ये जो किरणें आती है प्रकाश की, उन्हें अलग अलग कोणों पर मोड़ देता है। ओके, तो बताएंगे ये स्नेल का नियम क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन नियम। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का नियत अनुपात एक नियतांक होता है। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक रहता है, यानी साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू एन होता है। इसमें जरा वर्ण विक्षेपण घटना को बताइए, इसमें कितने रंगों में टूटता है जरा मुझे बताइए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण 7 कलर्स में टूटता है। उसका क्रम क्या बताइए? विबग्योर, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ओके, विबग्योर के फॉर्म में ब्रेक होता है। बताइए आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जब वर्ण विक्षेपण होता है तो सबसे नीचे वायलेट कलर होता है और इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए वही प्रकाश का प्रकीर्णन ब्लू और वायलेट, यानी कि जो बैंगनी और नीले रंग का वो वर्ण विक्षेपण उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होता है, इस कारण हमें आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ओके, जब बताइए प्रकाश के गुण क्या हैं? प्रकाश के गुण, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। नेचर कैसा है? इसका नेचर द्वैतीय है, ये तरंगों तथा कणों के रूप में चलता है। प्रकाश का नेचर द्वैतीय, तरंगों और कणों के रूप में गमन करता है। हम इसे पूछेंगे कि प्रकाश का जो वेग है निर्वात में वो कितना है? 3×10⁸ मीटर। 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। जरा आप बताइए कि सघन और विरल माध्यम क्या है? सघन माध्यम वह माध्यम जिसमें माध्यम के कण बहुत पास पास में होते हैं, और विरल माध्यम वो होता है जिसमें दूर दूर होते हैं। प्रकाश की चाल का इसमें क्या संबंध रहता है, किस प्रकार से स्पीड कम ज्यादा क्या रहेगी? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती प्रकाश, सघन माध्यम में प्रकाश चाल तेज होगी या विरल माध्यम में? तो विरल माध्यम में तेज होती, सघन माध्यम में धीरे हो जाती। अगर ऊपर का माध्यम सघन है और नीचे का माध्यम विरल है, प्रकाश से किरण जा रही तो वो अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। नीचे का माध्यम विरल है अगर, तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ओके, बताइए जरा जल, कांच और वायु के अपवर्तनांक क्या हैं? कांच का 1.5, जल का होता है 1.33 और वायु का होता है 1.003 बता रही जरा। ओके, जरा मुझे बताइए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। अपने मार्ग से विचलित होने की इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? निशी। निशी जरा चार्ट दिखाइए। ये देखिए, निशी ने चार्ट बनाया हुआ है, इसमें दर्पण और लेंस द्वारा इमेज फॉर्मेशन दिखाया गया है। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा चार्ट बना हुआ है। निशी जरा बताइए प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश किसी पॉलिश धातु से टकरा कर वापस लौटना, पुनः वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन। इसके कितने नियम हैं? दो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अवलंब तीनों एक ही तल पर आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, और इन्होंने इसको नियम को बताया हुआ है। जरा बताएंगे कि जो जल है इसका अपवर्तनांक कितना है? जल का 1.33। और किस और अवतल लेंस में कौन सा लेंस अभिसारी और कौन सा अपसारी है? उत्तल लेंस अभिसारी है, अवतल लेंस अपसारी। ओके, उत्तल लेंस उन्होंने कहा अभिसारी है और अवतल लेंस क्या है? अपसारी है, ठीक है ना। अच्छा, जब बताएंगे प्रकाश के गुण क्या हैं? प्रकाश के गुण, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश
चुंबकीय तरंग के रूप में गति करता है। प्रकाश का वेग 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड। हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है? केशव। केशव, तो केशव अपना चार्ट दिखाइए जरा। ये देखिए, इसमें इन्होंने बढ़िया से फिजिक्स में उत्तल लेंस, दर्पण और इसका चित्र बना के रखा हुआ है। आइए इस क्वेश्चन से पूछते हैं। तो बताइए जरा, प्रकाश क्या, प्रकाश के गुण क्या हैं? प्रकाश प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश एक ऊर्जा जिसके माध्यम से वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश के कुछ गुण बताएंगे, मेन गुण क्या है प्रकाश के, क्वालिटी? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। बताइए जरा, मुझे बताएंगे क्रांतिक कोण क्या होता है? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है। ओके, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम बना अपवर्तन कोण 90 अंश का होता है, इसको हम लोग क्रांतिक कोण बोलते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का, जब प्रकाश किसी पॉलीजर तल से टकराता है और टकरा कर उसी मार्ग में वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है, गुड। आपका शुभ नाम क्या है? खुशबू। खुशबू, चार्ट दिखाइए अपना, चार्ट देखो प्रभु। तो ये इन्होंने बहुत ही शानदार चित्र बनाया हुआ है। ओके, खुद बताइए जरा, प्रकाश का वेग कितना है? 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, ओके। जरा बताएंगे प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश किसी पॉलीजर तल से टकरा कर वापस लौट, पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन। हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है? अमोल मिश्रा। अमोल मिश्रा, चार दिखाइए आप जरा ऊपर करिए। ये देखिए, बड़ा ही सुंदर चार्ट उन्होंने उत्तल अवतल दर्पण और लेंस से संबंधित चार्ट बनाया हुआ है। ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित ये चैप्टर चल रहा है। तो जरा बताइए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का किसी पॉलीजर से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी पॉलीजर तल से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसके कितने नियम है? दो नियम। बताइए कौन कौन से? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, परावलंब, तीनों एक ही तल पे होते हैं। ठीक है, सेकंड नियम क्या है इसका? एंगल आई बराबर एंगल, एंगल आई बराबर आर, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। अच्छा, क्या आपको पता है क्रांतिक कोण के बारे में? सघन माध्यम बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम बना आपतन कोण 90 डिग्री। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण इसके लिए विरल माध्यम बना अपवर्तन कोण 90 अंश का होता है, बच्चों इसको हम लोग क्रांतिक कोण बोलते हैं। बेटा, क्रांतिक कोण का अपवर्तनांक से संबंध क्या है, सूत्र क्या है इसका? n is equal to 1 upon sin c। वेरी गुड, n is equal to 1 upon sin c इन्होंने बताया हुआ। जरा बताएंगे, आप इसे बताया उत्तल दर्पण बनाया है जी, बताइए इसे पीछे के वाहनों को देखने के लिए अक्सर हम लोग चलते हैं गाड़ी में, जो हमारा साइड मिरर होता है, इसमें हम किस दर्पण या किस लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जी हाँ, वेरी गुड। और बताइए उत्तल दर्पण की प्रकृति कैसी है, ये अभिसारी है कि अपसारी है? अपसारी। अपसारी, और उत्तल लेंस कैसा है? अभिसारी। अभिसारी है, वेरी गुड। तो बताइए अमोल जरा, क्या होता है निकट दृष्टि दोष? निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं। दूर की वस्तुओं का मतलब 25 सेंटीमीटर से अधिक। अच्छा, तो बताइए जरा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होगा? अनंत होगा। स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होगा बच्चों? अनंत होगा। अगर किसी व्यक्ति की आंख में निकट दृष्टि दोष की समस्या हो गई है तो उस समस्या को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करेगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस का प्रयोग करेगा, वेरी गुड। चार दिखाई जरा एक बार फिर से, ठीक है, वेरी गुड। हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है? निखिल दीक्षित। निखिल दीक्षित, जरा आपका चार्ट दिखाइए, बड़ा ही सुंदर इन्होंने चार्ट बनाया हुआ है। अच्छा, तो बेटा बताइए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश किसी पॉलीजर तल से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन। उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन होता है। और प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3×10^8 मीटर सेकंड। 3×10^8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रकाश गमन करता है, ठीक है। जरा बताइए प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं? दो। उत्तल लेंस जो होता है, जो बीच में मोटा किनारों पर पतला होता है, इसका नेचर कैसा है? अभिसारी कि अपसारी? अभिसारी। अभिसारी है, ओके। और उत्तल दर्पण कैसा होता है? अपसारी। अपसारी होता है, ठीक है, वेरी गुड। जी आपको शुभ नाम क्या है? सानुपाल। सानु जी, हाँ, चार्ट दिखाइए जरा, बड़ा ही सुंदर उन्होंने चार्ट बनाया हुआ है, वेरी गुड। जरा बताइए जो प्रकाश का अपवर्तन है इसके बारे में बताइए। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मास से विचलित हो जाती है, ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मास से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसमें एक दो नियम है इसके, इसमें स्नेल का नियम बताइए क्या है? sin i/sin r बराबर नियतांक। sin i/sin r बराबर नियतांक, यानी आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो हमेशा एक कांस्टेंट रहता है, नियतांक रहता है, वेरी गुड। जरा बताइए क्रांतिक कोण क्या है? में बना हुआ आपतन कोण जो विरल माध्यम में बना अपवर्तित कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, ठीक है। और अपवर्तनांक का क्रांतिक कोण से क्या संबंध है? n = 1/sin c। जरा साइन 90 अंश का मान कितना होता है? साइन 90 अंश का मान, साइन जीरो का जीरो, जीरो, वेरी गुड। जरा बताइए जैसे हम पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण। क्यों करते हैं इसका? उसका दृष्टि बड़ा होता है, उसका दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, इसलिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, वेरी गुड। तो बताएंगे उत्तल लेंस में अगर हमें किसी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब चाहिए तो वस्तु को हमें कहाँ रखना चाहिए?
जी फोकस और प्रकाशित केंद्र, फोकस और प्रकाशित केंद्र के मध्य रखेंगे तो जो उत्तर लेंस पर जो बनने वाला चित्र है वो लेफ्ट में ही बन जाएगा, जिधर वस्तु रखी उधर ही बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा बताइए उत्तल, ये बताइए दूरदृष्टि उसके हैं, दूरदृष्टि वह दोष है जिससे हमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वस्तु का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर दूर हो जाता है, जिसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण वक्ता त्रिज्या कम हो जाती है। फोकस दूरी बढ़ जाती है और वक्ता त्रिज्या क्या होती है, इसकी कम हो जाती है। इसका हम लोग निवारण कैसे करेंगे? इसका निवारण के लिए हमें उत्तल लेंस का प्रयोग करना, उत्तल लेंस के चश्मे का हम लोग प्रयोग करेंगे, इससे इसका निवारण हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा जरा बताइए इसमें जो अवतल दर्पण है इसमें बनने वाले कितने प्रतिबिंब बनते हैं? अवतल दर्पण में अवतल दर्पण में 6 प्रतिबिंब बनते हैं। अगर हमें अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी साइज के जितनी बड़ी वस्तु है और उतना बड़ा ही प्रतिबिंब चाहिए तो इसको हमें कहाँ रखना चाहिए? वक्रता केंद्र पर। वेरी गुड, वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखेंगे तो उसका इमेज उल्टा वैसे बनता है, उसी साइज का बन जाता है। हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है? माय नेम इज धीरेंद्र। धीरेंद्र, तो धीरेंद्र जरा चार्ट दिखाइए अपना। तो धीरेंद्र ने इसको देखिए काफ़ी अच्छा चार्ट यहाँ पर बना के रखा हुआ है। तो धीरेंद्र जरा बताइए प्रकाश क्या और प्रकाश के गुण क्या हैं? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं। okay. गुण क्या है इसके? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होते हैं। okay. प्रकाश की प्रकृति द्वैती होती है और प्रकृति इसकी द्वैती, द्वैती मतलब किन किन रूप में आएगी? तरंगों और कणों के रूप में। प्रकाश तरंग के रूप में मूव करता है और कणों के रूप में भी मूव करता है। ओके वेरी गुड, जरा बताएंगे जो ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण है इन दोनों दर्पण कौन सा दर्पण अभिसारी और कौन सा अपसारी है? अवतल दर्पण अपसारी है। अवतल दर्पण अभिसारी, अपसारी है। उत्तल दर्पण अपसारी है। उत्तल दर्पण अपसारी। तो बताइए जरा अवतल दर्पण द्वारा जो भिन्न भिन्न स्थितियां हैं उनके बारे में बताइए, कैसे इमेज बनता है? वस्तु की स्थिति अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब की स्थिति होती है एफ पर, और वास्तविक उल्टा बनता है वस्तु से छोटा। ठीक है, आगे बताइए। और वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र तथा अनंत के मध्य में है, और प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य में बनेगी। आगे बताइए। वस्तु से छोटा वास्तविक उल्टा बनेगा, और प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर है तो वस्तु की स्थिति वक्रता केंद्र पर है, प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर होगी, वस्तु के समान बनेगा वास्तविक उल्टा। चलो बताएंगे, अगर हमें आपने बताया वास्तविक उल्टे बनना है तो अगर हमें इस अवतल दर्पण द्वारा कोई प्रतिबिंब आभासी सीधा चाहिए तो वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? तो वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के मध्य रखनी चाहिए। बताइए रेखीय आवर्धन क्या है? रेखीय आवर्धन किसी लेंस द्वारा प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई को वस्तु की लंबाई अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, यानी m = i/o कहते हैं। ओके बताएंगे जरा दर्पण का सूत्र क्या है? दर्पण का सूत्र 1/v +1/u = 1/f। vuf का बताइए क्या क्या है? u वस्तु की स्थिति होता है, वस्तु की स्थिति वस्तु की दूरी होती है, कैसे रहते हैं पॉजिटिव नेगेटिव? माइनस, सब सभी में नेगेटिव लेंगे। अच्छा और v क्या है? वी प्रतिबिंब की स्थिति है। और एफ क्या है? एफ फोकस दूरी है। तो बताइए परिभाषा क्या है फोकस दूरी की? फोकस दूरी दर्पण के ध्रुव से मुख फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ओके वेरी गुड, तो बताइए जरा उत्तल लेंस द्वारा अगर हमें किसी वस्तु का, वैसे तो वास्तविक उल्टे प्राप्त होते हैं, अगर हमें उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आभासी सीधा प्रतिबिंब चाहिए तो वस्तु को कहाँ रखना चाहिए? उत्तल लेंस द्वारा तो वस्तु की स्थिति F1 तथा प्रकाशीय केंद्र की मदद रखी जाए, केंद्र की मदद रखनी चाहिए। अच्छा वेरी गुड, जरा बताइए हमें कि जो ये प्रकाश का परावर्तन है इसके बारे में बताइए जरा क्या है? प्रकाश का परावर्तन प्रकाश के किसी पॉलीदार तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। वेरी गुड, प्रकाश का अपवर्तन बताइए क्या, इसके नियम बताइए क्या है? प्रकाश का अपवर्तन जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसके नियम कौन कौन से? इसके दो नियम हैं, आपतित किरण अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक तल में स्थित होते हैं, और एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का नियतांक होता है, नियत होता है। इसको किस नियम से जानते हैं? sin i / sin r = nn। कौन सा नियम होता है? न्यूटन का नियम या स्नेल का नियम? किस नियम जानते हैं इसको? स्नेल के नियम, स्नेल के नियम जानते हैं। अच्छा बताएंगे जरा क्रांतिक कोण क्या है? सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तित किरण अपवर्तन कोण 90 डिग्री का होता है। ओके वेरी गुड, बताएंगे जरा कि हीरा क्यों चमकता है? हीरे का क्रांतिक कोण 24 होता है, अतः जब 24 डिग्री होता है जब प्रकाश की किरण कटे हुए हीरे में प्रवेश करती है तो उसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता रहता है और इसी माध्यम से हीरा अत्यधिक चमकदार दिखाई देता है। बताइए किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। सबसे अधिक किसका होता है? बैंगनी रंग का। किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और किसका सबसे कम होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है? साक्षी। साक्षी जरा चार्ट दिखाइए अपना।
बहुत ही सुंदर इन्होंने चार्ट बनाया हुआ है, इसमें दर्पण द्वारा किस प्रकार से जो इमेज बनते हैं उनको अच्छे से बखूबी इनको दिखाया हुआ है। तो साक्षी जरा बताएंगे आप लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के कितने नियम हैं? लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। पहला नियम, एफ1 से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुखच के समांतर हो जाती है। दूसरा नियम, मुखच के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात एफ2 से हो जाती है। बताइए जरा मुझे कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के कौन कितने नियम हैं? दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। मुखच के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर गुजर जाती है। दूसरा नियम है, मुख फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुखच के समांतर हो जाती है। तीसरा, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अपने दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। सर बताइए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके कितने नियम? प्रकाश का किसी पालिशदार तल से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तल से टकराकर वापस लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चले पूछते हैं इनसे अच्छे से कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। 2 नियम जी हां। आपतन कोण पर आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन कोण पर अवलंब, तीनों एक ही तल पर। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अवलंब तीनों एक ही तल में होते हैं जी हां। सेकंड नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के और आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। जरा बताइए क्रांतिक कोण क्या है? क्रांतिक सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण 90 डिग्री का 90 डिग्री को होता है, उसको क्रांतिक कोण बोलते हैं। जरा बताएंगे आपकी कांच का अपवर्तनांक कितना है? कांच का अपवर्तनांक 1.5। जल का कितना है? जल का 1.33। ओके, जरा बताने का प्रयास करिए कि जो उत्तल लेंस है इसके द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे और कहाँ कहाँ वस्तु रखी जाएंगी? उत्तल लेंस द्वारा 6 प्रतिबिंब बनते हैं। पहला अनंत पे बन सकेंगे तो F2 पर बनेगा जाके। दूसरा अनंत और 2F1 के मध्य रखेंगे तो बनेगा जाके F2 और 2F2 के मध्य। तीसरा F2F1 के पे रखेंगे तो बनेगा जाके 2F2 के पे। और चौथा 2F1 कैसे बनेंगे, आभासी सीधा या वास्तविक उल्टे? ये सारे वास्तविक उल्टा। अगर हमें उत्तल लेंस द्वारा आभासी सीधा चाहिए तो कहाँ रखेंगे वस्तु को? प्रकाशी केंद्र और F1 के मध्य। ये कहाँ बनेगा जाकर के? दर्पण के ही साइड बनेगा, लेंस के साइड। अच्छा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस कौन अभिसारी कौन अपसारी है? उत्तल लेंस अभिसारी है और तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस में कौन अभिसारी कौन अपसारी बता चुके। तो उत्तल लेंस अभिसारी अगर है तो आप कैसे बताएंगे इसको? उत्तल लेंस में प्रकाश के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात F1 पर एक बिंदु पर अभिसरित यानी इकट्ठा होती हैं, एकत्रित होती हैं। गुड, तो बताइए कि जो स्नेल का नियम है वो क्या है? साइन एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का नियतांक एक रहता है। साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक। साइन आई बराबर है। इन्होंने स्नेल के नियम को इस प्रकार से बताया है और जल का अपवर्तनांक इन्होंने बताया 1.33। तो जरा बताएंगे आप मुझे इसमें कि फोकस दूरी परिभाषा क्या है? फोकस दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। प्रथम फोकस की परिभाषा क्या है लेंस के रिस्पेक्ट में? लेंस के मुखच के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं और एक मिलती हुई प्रतीत होती हैं अवतल लेंस। तो ओके, तो जरा बताएंगे मुझे इसमें आपने ये चित्र बनाए हुए हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस में कितने इमेज बनते हैं और कैसे बनते हैं? अवतल लेंस में 2 इमेज बनते हैं। कैसे बनेंगे ये? पहले आभासी और सीधे। लेंस के बाईं ओर दाईं ओर बनेंगे? लेंस के बाईं ओर। बताइए लेंस सूत्र क्या है? लेंस सूत्र 1/(1/b-1/u)=1/f। दूरी और जो ये आपका लेंस की क्षमता है, या लेंस की क्षमता के बारे में संबंध क्या है? लेंस की क्षमता फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। प्रतिलोम के बराबर होती है। सूत्र क्या है इसका? p=1/f cm में। हाँ जी, आपको सब नाम क्या है? मोनू। अच्छा मोनू, जरा चार्ट दिखाइए अपना। चार्ट देखिए, तो मुन जरा बताइए कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के कितने नियम हैं? दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के 3 नियम हैं। कौन सा है? पहला है मुखच के समांतर चलने वाली रेखा मुख फोकस से जाती है, आकिरण है मुख दर्पण से। इसमें बनने वाले जो प्रतिबिंब है उसमें वस्तुओं की भिन्न भिन्न स्थितियाँ क्या और इमेज कैसा बनेगा बताइए क्रम से। वस्तु पहले अनंत पे होगी तो इसका F2 पे बनेगा, और सेकंड में जब अनंत तथा 2F1 के मध्य
और वस्तु रहेगी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा F2 तथा 2F2 के मध्य में बनेगा। अगर वस्तु 2F1 पे रहेगी तो इसका प्रतिबिंब 2F2 पे बनेगा। अगर वस्तु 2F1 तथा F1 के मध्य रहेगी तो इसका प्रतिबिंब 2F2 तथा अनंत के मध्य बनेगा। और अगर हमें ये सारे वस्तु को उल्टे बनना है, अगर हमें इसमें आभासी दिशा चाहिए तो वस्तु को कहाँ रखेंगे? वस्तु को पोल तथा F मतलब प्रकाशिक केंद्र तथा F1 पे रखेंगे, मध्य पे रखेंगे। ओके, तो बताइए उत्तल लेंस और अवतल लेंस में कौन अभिसारी कौन अपसारी और क्यों? उत्तल लेंस अभिसारी है क्योंकि ये किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, और अवतल लेंस अपसारी है क्योंकि ये किरणों को अलग। अगर हमें दूरदृष्टि दोष की समस्या हुई है तो हम किस लेंस का प्रयोग करेंगे? अगर दूरदृष्टि दोष की तो उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अच्छा, तो बताएंगे लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध है? लेंस की क्षमता 1/F और ठीक है पिच को 1/F। बताएंगे जरा फोकस दूरी की परिभाषा क्या है? दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ओके, तो बताइए कि हम जो पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए मोटर वाहनों में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं इसका प्रयोग? क्योंकि ये दूर की वस्तुओं को मतलब दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, दृष्टि अधिकतम होता है, इसलिए ऐसा प्रयोग करते हैं। ओके, गुड। क्या है? मीरा। मीरा चार्ट दिखाइए अपना, देखिए चार्ट का। ओके, वेरी गुड। तो मीरा जरा मुझे बताएंगे प्रकाश के गुण क्या हैं? प्रकाश के गुण, प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करता है, प्रकाश चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। वेग क्या इसका? इसका 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ओके, जरा बताइए प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश किसी पॉलिशदार तल से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। वापस लौट जाना प्रकाश का परावर्तन। जरा बताएं कि कांच का अपवर्तनांक कितना है? कांच का 1.5। ओके, और जल का कितना है? 1.33। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में कौन सा लेंस अभिसारी कौन सा अपसारी है? उत्तल लेंस में अभिसारी और अवतल लेंस अपसारी होता है। अगर किसी व्यक्ति के को निकट दृष्टि दोष हो गया है तो चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करेगा, उत्तल या अवतल? कौन सा लेंस प्रयोग? अभिसार, नहीं अवतल। अवतल लेंस प्रयोग करेगा। कह रहे बच्चों, आप लोगों ने किस प्रकार से विद्यार्थियों ने आपको लेंस और दर्पण से संबंधित जो एक्टिविटी थी उसको कंप्लीट किया, और जो लेंस और प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन से जो भी परिभाषाएं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो विगत वर्षों से आपके बोर्ड परीक्षाओं में या 23 की परीक्षा हुई या 24 की अपकमिंग जो एग्जाम होने वाला है उसमें पूछी गई हैं, कंटिन्यू पूछी जाती हैं, और जो न्यूमेरिकल हैं इससे इसके संबंधित जो सूत्र थे वो बच्चों ने बताए, किस प्रकार से भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए इमेज चाहे वो दर्पण हो या लेंस हो किस प्रकार से बनते हैं बच्चों ने बताएं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।